सोलन में बेशक कोरोना का खौफ है, लेकिन उसका असर रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठानों में कम ही देखने को मिल रहा है। बस इतना फर्क है कि पहले धार्मिक अनुष्ठान विशाल स्तर पर आयोजित किए जाते थे, लेकिन आजकल ये सूक्ष्म रूप में आयोजित किए जा रहे हैं। यही वजह है कि गणेश चतुर्थी पर इस बार भगवान गणेश की शोभा यात्रा भव्य ना होकर बल्कि सूक्ष्म होकर निकाली गई। लक्कड़ बाजार में स्थित मंदिर में जहां भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया जाता था, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग के चलते ज्यादा भीड़ नहीं दिखी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम ना था। दुर्गा सेवा समिति लक्कड़ बाजार के अध्यक्ष देवकी नंदन गुप्ता ने बताया कि गणेश चतुर्थी का त्यौहार सोलन में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस वर्ष भी ये त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सुबह और शाम पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन इस बार पूजा में ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना संकट के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 29 तारीख को गणपति जी का विसर्जन गिरी गंगा नदी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूजा अर्चना विधि विधान के साथ की जाएगी, लेकिन इस बार भंडारे का आयोजन नहीं होगा। गणपति उत्सव गत वर्षों से यहां बड़े हर्षोल्लास के साथ दुर्गा सेवा समिति लक्कड़ बाजार सोलन द्वारा आयोजित किया जाता है, और पिछले वर्षों में तो बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया जाता था, क्योंकि कोरोना का उस टाइम क्रोप नहीं था। इस वर्ष कोरोना है, कोरोना के को मद्देनज़र रखते हुए इसका जो हमने आयोजन है ये थोड़ा संक्षेप में किया है, बड़ा सोच समझ कर किया है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। पूजा अर्चना के उपरांत गणेश जी की स्थापना, उसके बाद प्रतिदिन सुबह 7 से 8 तक पूजा, सायं 7 से 8 तक पूजा, और अंतिम दिन 29 तारीख को विसर्जन होगा श्री गिरी गंगा पे। गत वर्षों से यही कार्यक्रम हमारा चलता आ रहा है, और पूर्व में तो हम हर रोज़ भंडारा वगैरह देते थे, लेकिन इस वर्ष समिति ने निर्णय लिया है कि भंडारा कोई नहीं होगा, केवल प्रसाद ही वितरित किया जाएगा। पूजा अर्चना में जो भी भक्तजन आना चाहें वे सुबह 7 बजे से 8 बजे तक और सायं 7 से 8 तक इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यही हमारा संक्षेप में कार्यक्रम लेकिन तरह ही आयोजित किया जा रहा है। केवल भंडारे को हमने नहीं रखा, इस बार भंडारा नहीं है, और जो पूजा है वो पहले भी ऐसी होती थी सुबह 7 से 8 तक और शाम को 7 से 8 तक, इस वर्ष भी वही पूजा है। केवल इतना है कि जो ज़्यादा प्रचार होता था वो प्रचार हमने ज़्यादा नहीं किया इसका, क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना जरूरी है। इस आयोजन के लिए लक्कड़ बाजार के जितने भी दुकानदार और पड़ोस के लोग हैं वह पूरा सहयोग देते हैं, और बाहर से लोग भी आते हैं वह भी सहयोग देते हैं। आर्थिक रूप से हमें इसको इस आयोजन को करने के लिए कोई कमी नहीं आती, लेकिन उसको भी ध्यान रखते हुए हमने जो दानी लोग थे उनको भी मना किया है कि भंडारा हम इस वक्त नहीं कर रहे, केवल प्रसाद ही बांटेंगे, प्रसाद के अनुसार ही सारा काम होगा, लेकिन सहयोग सबका हमारे साथ पूरा रहता है।